बट बिग बॉस सब लोग रियलिटी शो के नाम से जानते हैं. आई डोंट थिंक सो, इट्स अ रियलिटी शो. इट्स पूरा स्क्रिप्टेड और फेक शो ही है जितना मैं यू नो देख करके आऊँ अंदर से बाहर से. एंड वो मेकर्स अपने ही बंदे को जिताएंगे. जो टीवी इंडस्ट्री के लिए उन्हें सही लगेगा वो हमेशा उसे जिताएंगे. मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से और एक नॉर्मल फैमिली से है ना, तो वहाँ पर आपका बस एक यूज़ होता है उस इंडस्ट्री में. और उस जब आपका यूज़ हो जाता है तो वो इंडस्ट्री वाले आपको यू नो यूज़ इन थ्रो कर देते हैं और आपका कोई वजूद नहीं. दोस्तों, ये वीडियो देखकर आपको लग गया होगा कि अनुराग डोभाल को जबरदस्ती मेकर्स द्वारा बाहर निकाला गया है. दोस्तों, UK 7 जो अनुराग डोभाल जो पहले निकलना चाह रहे थे उस टाइम उनको निकाला नहीं गया. वो 2 करोड़ रुपए भरने को तैयार थे बिग बॉस 17 को, जब उनको बाहर नहीं निकाला गया. लेकिन अब उनको बाहर निकाल दिया गया है. 3 लोगों को एक साथ बाहर निकाला गया है. ये बिग बॉस पे बहुत तरीके से भड़के हैं. अनुराग डोभाल अपना इंटरव्यू में बताया है कि ये मेकर्स और बिग बॉस के जो भी लोग हैं उनको जिताने के फेवर में है और मुझे इसलिए बाहर निकाला गया कि मैं स्ट्रॉन्ग कंटेंशन था. दोस्तों, अभी उनके लिए बहुत ज़्यादा लोग उनका साथ दे रहे हैं. हालांकि ये बिग बॉस का पता नहीं, अभी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहा है शो में. शो की कंट्रोवर्सी भी बहुत ज़्यादा हो गई है. हालांकि बिग बॉस में ऐसा नहीं होता कि एक ही साथ 3 कंटेंटेंट को बाहर निकाला जाए, लेकिन अब निकाल दिए गए हैं वो भी बिना वोटिंग के. दोस्तों, उनके फैन आर्मी जो एलविस यादव है, उन्होंने उनका सपोर्ट किया है. उनको ट्वीट करके बताया है कि आप वोटिंग से तो इनको बाहर नहीं निकाल सकते, अपनी मनमर्जी से बिग बॉस ने बाहर निकाला गया है. दोस्तों, लोग ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ट्रोल कर रहे हैं बिग बॉस 17 को लेके कि अनुराग डोभाल या UK 7 को जबरदस्ती बाहर निकाला गया है. ये मेकर्स की चालबाजी है और ये अपने बॉलीवुड या कोई चाहता है जो बिग बॉस का फॉलो करता है उसी को जिताएंगे, अदरवाइज ये सबको बाहर निकाल देंगे, ऐसा चल रहा है. दोस्तों, सोशल मीडिया भरा पड़ा है अनुराग डोभाल के पक्ष में, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि पहले वो बाहर निकलना चाहता था, उस टाइम उसको बाहर नहीं निकाला गया क्योंकि उस टाइम बिग बॉस का जो मेकर से वो बदनाम हो जाते, बिग बॉस बदनाम हो जाए, इसलिए उन्होंने रोक दिया. लेकिन अब वो बाहर निकल गया है और दोस्तों जगह जगह इंटरव्यू दे रहा है, वो जगह जगह उन पर आरोप लगा रहा है. दोस्तों, उनके अनेक इंटरव्यू देखे मैंने जहाँ बिग बॉस पर वो लगातार बरस रहा है, लगातार उनको गालियाँ तक दे रहा है कि मुझे जबरदस्ती बाहर निकला गया है. दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं ईसा मालवीय और समर्थ जुरेल के बारे में. दोस्तों, उन्होंने अभिषेक पर बहुत ज़्यादा पोकिंग की है. बिग बॉस 17 का इतना बड़ा शो नहीं, जो इतना जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा ये शो. हालांकि अब जो एक नया मोड़ आया है, ईसा मालवीय और समर्थ जुरेल ने अभिषेक को ज़्यादा पोक किया है तो उसने हाथ उठा दिया है. ये बिग बॉस में सबसे बड़ी बात आ गई है. अब उसको बाहर निकालने की मांग उठ गई है. लेकिन अभिषेक के पक्ष में पूरा बॉलीवुड के अनेक लोग खड़े हैं. सबसे बड़ी बात तो है, जहाँ ईसा की गलती है सबसे बड़ी बात, ईसा सबसे बहुत होशियार कंटेंशन है, वो दोनों के साथ खेलती है, ये बात तो है. अब वो आज का आप प्रोमो देखोगे तो वो उल्टा उसको समर्थ को गलत ठहरा रही है, खुद पोक करने में है, साथ में है, लेकिन वो अब गलत ठहरा रही है. ये बहुत तगड़ा अब शो बन गया है क्योंकि किसी को भी बाहर निकाला जा सकता है. हालांकि ये सबसे बड़ी बात सामने आई है, रितेश देशमुख अभिषेक के पक्ष में आए हैं. जो फिल्म स्टार है वो कह रहे हैं कि अभिषेक को पोक करना बहुत ही गलत है. हालांकि एलविस यादव ने ट्वीट किया है कि इतना पोक नहीं करना चाहिए किसी को, वो हाथ उठाने के उतारू हो जाए. और अभिषेक ने बहुत तरीके से एक हाथ उठा दिया उनके ऊपर. ये बिग बॉस का सबसे बड़ी बात है कि उनको बाहर निकालने की मांग की जा रही है बिग बॉस के जो कंटेंट्स हैं उनकी तरफ से, भाई तूने हाथ क्यों उठाया. लेकिन वो सबसे बड़ी बात, पोकिंग बहुत ज़्यादा कर रही है ईशा और समर्थ, उनकी गलती है इस प्रोमो में देखा गया है. और पहला जो कल टेलीकास्ट हुआ उसमें भी इसकी गलती है, इस वजह से उन्होंने पोक करके उसने थप्पड़ मारी है. हालांकि अभिषेक उसकी जगह सही है. और अब बिग बॉस में बहुत उतार चढ़ाव आने वाले हैं. आप दोस्तों बता सकते हैं कि किसकी गलती है जहां अनुराग डोभाल को बाहर निकाला गया है. वहां लोग कह रहे हैं कि बिग बॉस की गलती है और यहां अभिषेक सही है और अभिषेक को वोटिंग के लिए लोगों की अपील की जा रही है. सोशल मीडिया पर जो चल रहा है मैं बता रहा हूं. दोस्तों, अब किस मोड पर जाता है बिग बॉस वो तो अब देखने के बाद ही पता चलेगा.